और बड़ी खबर आपको बता दें, नागालैंड में शरद पवार को बड़ा झटका लगा है। एनसीपी के 7 विधायक अजीत पवार के पाले में चले गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें नागालैंड से, जहां पर शरद पवार को बड़ा झटका लगा है। अजीत पवार के पाले में 7 एमएलए चले गए हैं। तो मुंबई में जिस तरीके से राजनीतिक उठापटक हुई है, एनसीपी में 2 फाड़ देखने को मिली है, वहीं नागालैंड में भी अब शरद पवार को बड़ा झटका। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि सैनिकों की कमी की खबरों के बीच रूस ने सेना में रिटायरमेंट की उम्र 5 साल बढ़ा दी। वहां की संसद के निचले सदन ने सेना में सेवा से जुड़े कानून में बदलाव को मंजूरी दे दी, जिसके तहत रूस में पुरुष सैनिकों की रिटायरमेंट उम्र कम से कम 5 साल तक बढ़ाने का फैसला लिया गया। ऊंची रैंक वाले अफसरों की रिटायरमेंट उम्र 70 साल तय कर दी गई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पिछले साल यूक्रेन के साथ शुरू हुए युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में रूस के सैनिक मारे गए, जिससे वहां सैनिकों की कमी हो गई। राष्ट्रपति पुतिन ने फौज में सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में भर्ती अभियान भी चलाया, जिसके बाद खबरें ये आई कि इस अभियान से डरकर 9 लाख से ज्यादा नागरिकों ने रूस छोड़ दिया है। हालांकि बाद में पुतिन ने देश छोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानून बना दिए। सैनिकों की कमी को दूर करने के लिए पुतिन ने बड़ा फैसला लेते हुए पुरुष सैनिकों के रिटायरमेंट की उम्र को ही बढ़ा दिया।